तो गाइस कैसे हो आप लोग। सो गाइस आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ पैकिंग मशीन, मतलब सीलिंग सीलिंग मशीन जो होता है, मतलब जैसे कुछ पैकेट्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ रखा है या फिर दो तीन पैकेट्स, वो आज मैं आपको पैक करके दिखाऊंगा। तो ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, तो मैंने अमेजोन से मंगाया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप चाहते हो तो वहां से आप मंगा सकते हो। ओके सो गाइस देखो हमारा ये प्रोडक्ट आता है, तो काफी अच्छा पैकिंग है डब्बा, मतलब एकदम प्यारा सा डब्बा भी है, देख लो कितना अच्छा डब्बा है, ठीक ना, लिखा तो है ब्यूटी प्रोडक्ट करके, ठीक ना। एंड गाइस इसका जो है यहाँ पे आपको कुछ मिल जाता है खोलने वाला, ठीक ना, तो डब्बा बोले तो काफी अच्छा दिया है। और ये हो जाता है हमारा मेन प्रोडक्ट पैकिंग मशीन। ओके ये देखो इसमें होता है क्या एक्चुअली, कि ये जो आपको बीच में दिख जाता है दोनों तरफ से, इसके बीच में आपका प्रोडक्ट आता है और इसमें ऐसे क्लिक करके मतलब ये जो है पैक होता है, मतलब इसमें हीट होना है और हीट से जो पैक होता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन, ये हो जाता है हमारा स्विच ऑन ऑफ, ठीक ना। अभी ऑफ रखते हैं, आपको जब करके दिखाऊंगा तब इसे ऑन कर दूंगा। एंड गाइस हमें वायर का बात करें तो वायर भी काफी ज्यादा है, मतलब इतना भी छोटा नहीं है, काफी देखे होंगे कि बहुत छोटा वायर रहता है, पर इसमें वायर बहुत सारा है। चलो इस वायर को खोल लेते हैं। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो लाते ही रहते हैं। और भी इसके बाद जो है अनबॉक्सिंग के लिए काफी मजेदार प्रोडक्ट आने वाला है, आप लोग जुड़े रहना चैनल से। ओके सब्सक्राइब इसे करके रख लो। तो गाइस देखो हमारा वायर कितना लंबा हो जाता है, ठीक ना, वायर देख लो कितना लंबा है, तो वायर तो काफी ज्यादा है। तो मैं जो है करेंट से कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको जो है कुछ मैंने चमकीस रखे है। ओके जैसे देख लो यहाँ कुछ कुछ मतलब मिक्सर का पैकेट है एंड लेस का पैकेट है, मैं सब पैक करके आपको तीनों दिखाऊंगा। और ये नॉर्मल आपका पॉली पैक वाला पैकेट है, ठीक ना, तो सब मैं आपको कुछ ना कुछ उसमें डाल के जो पैक कर दिखाऊंगा कि कैसा पैक होता है। सो गाइस चलो वीडियो में आग बने रहना, मैं आपको बताता हूँ। तो चलो सबसे पहले इसको जो है बिजली से कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको जो है सिंपली इसे पैक करके दिखाते हैं। तो गाइस मैं जो है इसे करेंट से कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो वायर, ठीक ना, मैंने जो है इसे बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। एंड गाइस ये देखो नीचे में मैं जैसे बताया था स्विच है, तो इस स्विच को ऑन करते ही आपको यहाँ दिखता होगा एक रेड लाइट जलने लगा है, मतलब हमारा मशीन जो है ऑन हो चुका है। तो ये जो है देखो हीट होना शुरू हो गया है हल्का हल्का, ठीक ना, अभी तो इसको आप कम से कम मतलब 1 से 2 मिनट जो है हीट होने देना, उसके बाद जो आपका अच्छे से पैकिंग होगा। ऐसे आप कर सकते हो बिफोर, आई मीन 30 सेकेंड में तो अच्छे हीट हो जाते हैं करने लायक, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये हीट हो जाता है, तो अभी हल्का हल्का हीट हुआ है और मुझे हल्का हल्का यहाँ गर्म लग रहा है, ठीक ना, तो थोड़ा सा और हीट होने लगते हैं। उसके बाद जो हम सबसे पहले जो है हमें लेस का पैकेट को आपको जो है पैक करके हम दिखाएंगे। ओके सो गाइस हमारा जो ये है हीट हो चुका है करीब मतलब 30 सेकंड का लगभग में ही, ठीक ना, तो कर हमारा जो हो चुका है आपका हीट हल्का हीट हो गया, इससे जो है अच्छी पैकिंग हो जाएगी, ठीक ना। तो सिंपली आपको इसको जो है यहाँ पे ऐसे रखना है और देख लो ये हमारा पैक हो गया। ओके फिर से आपको सिंपली यहाँ रखना है, हल्का सा ये को प्रेस करना है और आपका जो है प्रोडक्ट थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं इसको, ये देख लो। तो गाइस देखो अब मैंने तीनों तरफ से किया। ओके और हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल पैक हो चुका है, देखो इसका कुछ सामान है, मैं पलटी करके दिखाता हूँ, ठीक ना, नहीं गिर रहा है। ये जो हमारा प्रोडक्ट एकदम पैक हो चुका है अभी अच्छे तरीके से, ठीक है, एकदम सेफ में और पूरा अच्छे से। अगर आप मतलब गलती फट फट जाता है तो उसे पैक कर सकते हो। तो चलो इसे पैक कर दिया हमने, अब आते हैं हम ये आपका जो है मिक्सर के पैकेट, इसे पैक करके दिखाते हैं, ठीक ना। तो मैं इस पैकेट को भी चलो पैक करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा थोड़ा और ज्यादा हीट हो गया, तो इसको आपको अब ज्यादा देर नहीं सटाना है, थोड़ा देर सटाना है, देखो अच्छे से एकदम हीट हो गया है, ठीक है। फिर से आपको थोड़ा सा आगे से डालना है, पैक हो गया, तो ये भी पैक हो गया। ओके और लास्ट आइटम जो हम ये नॉर्मल जो पॉली पैक हो जाता है हमारा, मतलब नॉर्मल जो चंकी जिसमें आप घरेलू सामान नॉर्मल दुकान से जो लाते हो, ठीक ना, चीनी वगैरह से सब, ठीक ना, आटा मैदा सब, तो उसमें जो है मैं एक फोन डाल देता हूँ इस चमकी में। ओके एंड इसको पैक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इस जो है ये थोड़ा पतला प्लास्टिक हो जाता है, तो इसको आप ऐसे मोड़ के पैक करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसे मोड़ के थोड़ा सा हम लोग पैक कर लेते हैं, वैसे काफी ज्यादा गर्म हो गया है, थोड़ा सा इसे आपको अगर ज्यादा गर्म होता है थोड़ा सा बंद कर लो। ओके 5 सेकंड का लगभग बंद कर लेते हैं, क्योंकि तो बहुत ज्यादा हीट हो गया है, ये प्लास्टिक जो पूरी तरह से मतलब जला सकता है। तो अगर आप मतलब लगातार कुछ पैक कर रहे हो तो थोड़ा सा देर के लिए बंद कर दो, उसके बाद जो इसे ऑन कर लो, ठीक है। ऐसे बंद में भी अभी इतना गर्म है ना, ये देखो। तो ये हो गया हमारा थोड़ा मतलब ज्यादा ही गर्म, जैसे कि मैंने बताया थोड़ा जल गया है, तो थोड़ा सा इसे गर्म से और थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इस ऊपर के भाग को छोड़ देते हैं। इस टाइप से हम लोग पैक करके देखते हैं, ऐसे ये भी पूरा देखा जाए तो पूरा प्लास्टिक पैक हो गया, ठीक ना, नीचे से आप देख सकते हो जैसे रहता है पैकिंग, ठीक है, पूरा अच्छे से पैक हो चुका है। चलो बाकी वाला एरिया करते हैं, तो मशीन अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। ओके थोड़ा सा इसे सटा लेते हैं, जैसे मशीन तो भी देख सकते हो बंद है जैसे कि, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। चलो मशीन ऑन कर लेते हैं, इस मशीन हमारा जो ऑन हो चुका है, अब हम लगा के देखते हैं।
तो ये जो चमकी है ना ये बहुत ही पतला है और नरम है मतलब, तो इसलिए थोड़ा सा ये जल रहा है। ठीक है, देखो अभी ऑन किए है तो भी इतना हीट है। तो हमारा जो पूरा पैकेट अच्छे से हो चुका है पैक, और ये हमारा थोड़ा देर भी हो गया ऑन हुए, अब इसको पूरा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और गर्म हो गया है, तो बस ये हो गया पूरा पैक। और इसका जो आपको बोल रहे हो कि प्लास्टिक लग गया है, तो ये प्लास्टिक सिंपली आप इस मशीन को ऑफ करके कोई भी एक नॉर्मल सूती कपड़ा से अगर आप पोंछ देते हो तो ये हटाई से हट जाएगा। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मशीन में आपका जो है लग जाता है। तो इसे मशीन को ऑफ करके रख लेते हैं। एंड गाइस पैकिंग हमारा हो गया है काफ़ी अच्छा। ठीक ना, ये थोड़ा जल गया क्योंकि ये बहुत मतलब नॉर्मल प्लास्टिक था और मैंने काफ़ी देर से मशीन ऑन रखा था और इस दोनों प्रोडक्ट को ओपन भी किया था। ठीक है, तो इसको जो है आप मतलब ऐसा पैकेट करते हो तो ध्यान रखना हीट इसका जो है कम जितना हो सके, एंड जितना कम हीट में आप करते हो उतना अच्छा ये पैकिंग होता है। ठीक है, देख सकते हो कितना अच्छा पैकिंग हुआ है, मतलब इस तरह का जैसे दुकान सब में देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ओके। सो गाइस प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आप इसे मंगा के अपने घर यूज में जो है नॉर्मल सब यूज़ कर सकते हो। सो गाइस सब कुल मिला के बात ये हो जाता है कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन जैसे कि बता ही रखा है कि दे रखा हूँ। एंड गाइस ये हो जाता है वीडियो में। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे सब वीडियो लाते ही रहते हैं। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर ले, एंड गाइस दोस्तों शेयर कर ले।